नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है सोसाइटी से संबंधित करंट रिवीजन का हमारा है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे इंडिया के उपराष्ट्रपति ने इन रैंकिंग्स को हाल ही में रिलीज किया ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जिसका नाम पहले हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एच एम क्या है इस रैंकिंग को रिलीज करने का देखो ये जो रैंकिंग है हमारे देश के सभी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है किस आधार पर इस आधार पर कि किस इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा अच्छा काम किया है इनोवेशन और ऑन्ट्रप्रेनरशिप को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के बीच है। समझ गए अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने फैकल्टीज में और स्टूडेंट्स में ऑन्ट्रप्रेनरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा अच्छा काम किया है तो उस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिलेगी इस इंडेक्स में इस रैंकिंग में ये इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग रिलीज की गई है छह इंडिकेटर्स हैं सबसे पहले हेम प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज ऑन आईपीआर आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनोवेशन स्टार्टअप और ऑनटरप्रेनरशिप दूसरे नंबर पे प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू सपोर्ट इनोवेशन एंड ऑन्टप्रेनरशिप आई एंड ई का मतलब है इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रेनरशिप इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है जो लोग स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं उनको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया जाता है इंक्यूबेशन सेंटर में उनको जगह दी जाती है बताया जाता है कि स्टार्टअप ऐसे ओपन किया जा सकता है शुरुआत में जो जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस से लड़ने में मदद की जाती है स्टार्टअप वालों को नेक्स्ट एनुअल बजट स्पेंड ऑन प्रमोटिंग एंड स्पोर्टिंग इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रेनरशिप एक्टिविटीज़ ज़्यादा अगर बजट स्पेंड किया है इनोवेशन और ऑन्ट्रप्रेनरशिप को प्रमोट करने की दिशा में तो ज्यादा वेट इज ज्यादा अच्छी रैंकिंग उस इंस्टीट्यूशन की नेक्स्ट कोर्सेज ऑन इनोवेशन आईपीआर एंड ऑन्टरप्रेनरशिप डेवलपमेंट पांचवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कॉमर्शलाइजेशन सबसे लास्ट में सक्सेसफुल इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एंड फंडिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स तो ये छह इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है रैंकिंग देखो दो ब्रॉड कैटेगरीज में दी जाती हैं वैसे ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज भी हैं इतना कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है बस एक नज़र मार लीजिए अगर स्टेटमेंट आएगी तो इसी प्रकार से आएगी कि दो ब्रॉड कैटेगरीज में ये रैंकिंग जारी की जाती है या फिर सिक्स सब कैटेगरीज में ये रैंकिंग जारी की जाती है सब कैटेगरीज हैं कौन कौन सी इसकी पूछे जाने की संभावना कम है खैर जल्दी से आप देख लीजिए दो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर रैंकिंग जारी की जाती है पहली कैटेगरी है पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन और दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस इस कैटेगरी के अंदर तीन सब कैटेगरीज हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सी एफ टी आई एस इसका मतलब है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऐसा कुछ नाम है दूसरी सब कैटेगरी है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज तीसरी सब कैटेगरी है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडिड कॉलेज इंस्टीट्यूट तो ये तीन सब कैटेगरीज हैं इस कैटेगरी के अंदर जिसका नाम है पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस अब दूसरी जो ब्रॉड कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर दो सब कैटेगरीज हैं एक तो प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज और दूसरी सब कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन एक छठी सब कैटेगरी अलग से है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन के लिए ये जो सिक्स्थ सब कैटेगरी है इसी साल ऐड की गई है ताकि महिलाओं को भी इंक्रेज किया जा सके इनोवेशन और ऑन्टरप्रेनरशिप के क्षेत्र में और इन क्षेत्रों में जेंडर पैरिटी लाई जा सके तो ये हमने जल्दी जल्दी देख लिया पूछे जाने की संभावना कम है मेनली ये याद रखना है दो कैटेगरीज और छह सब कैटेगरीज अब आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूट को या फिर यूनिवर्सिटी को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है इतना ज़्यादा देखो यूपीएससी नहीं पूछेगी और पूछेगी भी तो काफ़ी कम संभावना है इतना ज़्यादा याद रहेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी रैंकिंग्स जारी होती हैं जैसे एक एन की भी रैंकिंग जारी होती है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अलग से जारी होती है देखो अगर हम पिछले पेपर्स का एनालिसिस करें ना एक बात ये पता लगती है यूपीएससी इंडिकेटर्स पर या फिर कौन इंडेक्स जारी करता है इस पर ज़्यादा फोकस करती है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किसके द्वारा रिलीज किया जाता है कौन से इंडिकेटर्स हैं हंगर इंडेक्स में कौन से इंडिकेटर्स के आधार पर यह इंडेक्स तैयारी किया जाता है इन पर यूपीएससी का ज्यादा फोकस है बजाय इसके कि टॉप स्थान किसको प्राप्त हुआ इंडिया की रैंकिंग कौन सी है ये क्वेश्चन एस टाइप के एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं अगर हम पुराने पेपर्स का एनालिसिस करें नेक्स्ट आर्टिकल ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म के बारे में है देखो ये इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म पर दो तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है एक तो पेशेंट्स डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं दूसरा डॉक्टर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ये पूरा प्रोसीजर है फ्री है सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक पेशेंट को एवरेज कितना इंतज़ार करना पड़ता है तीन मिनट तेईस सेकेंड सर्विस जो है वो फ्री है तो ये सर्विस है बाकी काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली हुई हैं कि प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली है और इससे डिजिटल डिवाइड जो है वो कम होगा ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे और डॉक्टर से डॉक्टर का भी कंसल्टेशन हो सकेगा दोनों सर्विसेज के अलग से अलग नाम हैं अगर देखो डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन होता है तो इस सर्विस का नाम है ई e संजीवनी और अगर पेशेंट का डॉक्टर से कंसल्टेशन होता है तो इस सर्विस का नाम है ई e संजीवनी ओ पी डी इम्प्लीमेंटेशन इन सर्विसेज को किया जा रहा है आयुष्मान भा, भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म को किसने डेवलप किया है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है सीडेक के द्वारा जो मोहाली में सिचुएटेड है तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी के बारे में HEFA, क्या कंटेस्ट है है यानी क्या जे एन यू को चार सौ पचपन करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है ताकि नई एकेडमिक बिल्डिंग्स हॉस्टल्स रिसर्च सेंटर्स इन सब का निर्माण किया जा सके हम बात करें हायर एजुकेशनल फाइनेंशियल एजेंसी की इसको फॉर्म किया गया था 2017 में एज ए जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में कैनरा बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एच के बीच में अब नाम चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एच का अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एजेंसी देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है और आरबीआई के पास भी रजिस्टर्ड है यहां पर देखिए जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसके सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है यह कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट और एज ए यूनियन गवर्नमेंट कंपनी इसके साथ साथ आर के पास भी रजिस्टर्ड है एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग एन बी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी काम क्या है इस एजेंसी का इस एजेंसी को देखो इस उद्देश्य से इस्टाब्लिश किया गया था कि हमारे देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो ग्लोबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग में टॉप में आए तो ये एजेंसी पैसा प्रोवाइड करती है फाइनेंस प्रोवाइड करती है विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से फाइनेंस प्रोवाइड करती है यह एजेंसी विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दोनों तरह से देखो इस एजेंसी के लिंक होते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप से तो डोनेशन भी दिलवा देती है, है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इसके साथ साथ कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे देती है समझ गए मतलब दोनों तरह की अप्रोच फॉलो किए जाते हैं डोनेशन भी दिलवा दिया किसी से और अगर डोनेशन नहीं मिल रहा है तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलवा दिया ग्रांट नहीं दिलवाई ग्रांट अगर देखो किसी को दी जाती है तो वापस लौटाने की आवश्यकता हो नहीं होती मान लीजिए हमने श्रीलंका को हमने मतलब इंडिया ने श्रीलंका को ग्रांट दी तो श्रीलंका उस पैसे को वापस नहीं लौटाएगा लेकिन अगर इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया तो श्रीलंका तो को वापस लोन लौटाना पड़ेगा ना अब लास्ट में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की देखो सभी सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे वो हायर एजुकेशन के हों स्कूल एजुकेशन के हों या फिर मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के हों सभी एलिजिबल हैं लोन अवेल करने के लिए इस हायर एजुकेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी से यानी एच ई एफ ए से तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया हैफा के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल यूथ डे 2020 के बारे में है हर साल देखो 12 अगस्त का जो दिन है वो इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है यू के द्वारा 12 अगस्त का दिन इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में डेजिनेट किया था 1999 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया 2000 में उसके बाद से ही अभी तक हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को मकसद ये होता है यूथ से संबंधित जो कल्चरल या फिर लीगल इश्यूज हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना इस बार की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन अब देखो कुछ रिपोर्ट्स या फिर कैंपेन्स हैं उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देख लेते हैं हैश टैग थर्टी वन डेज ऑफ यूथ ये एक सोशल मीडिया कैंपेन है जो कि चलाया गया है यूएन के द्वारा किस लिए यूथ से संबंधित इश्यूज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो कन्वर्सेशन हो इस चीज़ के लिए उसके बाद यूथ एंड कोविड नाइन्टीन इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स एजुकेशन राइट्स एंड मेंटल वेलबिंग रिपोर्ट ये पब्लिश की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 की वजह से वर्ल्ड के आधे जो यूथ हैं एंगजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होंगे इसके बाद नेक्स्ट हैं वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर यूथ इसको एडोप्ट किया गया था यू जनरल असेंबली के द्वारा उन्नीस में ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव ये हैं पूरे वर्ल्ड में यूथ की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए किस प्रकार से इंटरनेशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए किस प्रकार से विभिन्न देशों को एक्शन लेना चाहिए इस संदर्भ में पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जारी करना सबसे लास्ट में है वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट यूथ सोशल ऑन्टरप्रेनरशिप एंड द दो एजेंडा ये किसके द्वारा रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इसका एम क्या है इस रिपोर्ट का एम देखो ये है स्टडी करना और समझना किस प्रकार से जो यूथ सोशल ऑन्ट्रप्रेनरशिप है ये ना सिर्फ यूथ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकती है इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इम्प्लीमेंटेशन है इम्प्लीमेंटेशन की जो, जो गति है उसे भी तेज कर सकती हैं तो यूथ सोशल ऑन्टरप्रेनरशिप पर फोकस है इस रिपोर्ट में अगला आर्टिकल किरण हेल्पलाइन के बारे में है क्या कंटेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किरण हेल्पलाइन के लॉन्च को अभी पोस्टपोन कर दिया है ये क्या है हेल्पलाइन किससे संबंधित है ये देखो मेंटल हेल्थ से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करने के बारे में है टोल फ्री नंबर लॉन्च किया जाना था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की यह हेल्पलाइन है इस नंबर पर कॉल करके इंडिविजुअल्स के द्वारा पेरेंट्स के द्वारा फैमिली एनजीओ डी पेरेंट एसोसिएशन प्रोफेशनल एसोसिएशन रीहेबिलटेशन इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स इन सब के द्वारा थर्टीन लैंग्वेजेस में मेंटल हेल्थ से संबंधित सर्विसेज प्राप्त की जा सकती हैं हेल्पलाइन की सहायता से एक घंटे में 300 क्लाइंट्स को हेल्प की जा सकती है और इस हेल्पलाइन को कोऑर्डिनेट किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो कि चेन्नई में है इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबलिटेशन ये सीहोर में है सीहोर कहां पर है ये सीहोर देखो मध्य प्रदेश में है कौन कौन सी सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं इस हेल्पलाइन पर फोन करके अर्ली स्क्रीनिंग फर्स्ट एड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटल वेलबींग डेवियंट बिहेवियर को प्रिवेंट करना साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट ये सब इश्यूज जो हैं उनके लिए फोन किया जा सकता है इस हेल्पलाइन पर लेकिन अब फिलहाल इस किरण हेल्पलाइन को पोस्टपोन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा कुछ दिनों बाद जब बाकी जो कमियां रह गई हैं उन्हें एड्रेस करके फिर से इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया जाएगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में है क्या कंटेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये काउंसिल गठित कर दी गई है देखो 2019 का जो एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट दो इस एक्ट में प्रोविजन था इस काउंसिल को गठित करने का वो काम अब पूरा कर दिया गया है यानी ये काउंसिल गठित कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा काम क्या होंगे इस काउंसिल के ये जो काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी कि ट्रांसजेंडर से संबंधित कौन सी पॉलिसीज बनानी है अगर कोई कानून बनाना है तो उस बारे में भी एडवाइस दी जाएगी या फिर ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम चलाना है तो उस बारे में भी एडवाइस दी जाएगी इस काउंसिल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अलावा देखो ऑलरेडी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए उन वेलफेयर प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग, उनका इवेल्यूएशन, क्या वो प्रोग्राम ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं ये काम भी किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा इसके बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स और उनकी एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए अगर ट्रांसजेंडर पर्सनस की कुछ शिकायतें हैं तो उनको एड्रेस करना सबसे लास्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ बोलती है कि भैया आप ये काम कीजिए ट्रांसजेंडर्स के की वेलफेयर के लिए वो भी किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा कंपोजिशन की बात करें कौन कौन मेंबर होगा इस काउंसिल का सबसे पहले तो बात कीजिए चेयरमैन की यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये चेयरमैन होंगे इस काउंसिल के और काफी सारे दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन होगा जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ होम माइनॉरिटी अफेयर्स एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट लेबर और सबसे लास्ट में ला मिनिस्ट्री इन सभी मिनिस्ट्रीज से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं वो मेंबर होंगे इस काउंसिल के इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस नीति आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सबसे लास्ट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यहां से भी रिप्रेजेंटेशन आएगा इस काउंसिल में रोटेशनल बेसिस पे पांच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के भी मेंबर होंगे मतलब टोटल पांच स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे इस काउंसिल में शुरुआत में कुछ पांच स्टेट्स या यूटीज होंगे और बाद में रोटेशनल बेसिस पे दूसरे पांच स्टेट्स या फिर यूटीज से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी ये सब रोटेशनल बेसिस पे चलता रहेगा ऐसा देखो इसलिए अगर एक ही बार में सभी स्टेट्स और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव अगर काउंसिल में शामिल होंगे तो बहुत सारे मेंबर तो स्टेट्स और यूटीज़ के ही हो जाएंगे भीड़ मच जाएगी इस काउंसिल में तो इसलिए रोटेशनल बेसिस पे पांच स्टेट्स और यूटीज के मेंबर शामिल होंगे इस काउंसिल में सबसे लास्ट में ट्रांसजेंडर कमिटी के पांच मेंबर भी शामिल होंगे इस काउंसिल में और एन के पांच एक्सपर्ट्स भी मेंबर होंगे इस काउंसिल के ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेम्बर्स या फिर एनजीओ के एक्सपर्ट्स हैं इनकी सदस्यता तीन साल के लिए होगी और ऊपर के ये जो मेंबर्स हैं इनकी सदस्यता तो देखो परमानेंट हैं मतलब इन मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा रहेगी अधिकारी आते जाते रहेंगे लेकिन मिनिस्ट्रीज की रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा रहेगी तो ये हमने बात की नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सनस के बारे में

डी नोडिफाइड नोमैटिक और सेमी नोडे ट्राइब्स को लेडनेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को और ट्रेडिशनल आर्टिक्सन कैटेगरी के जो सोशल ग्रुप्स हैं इनमें जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी इसके तहत हर साल लगभग सौ फ्रेश अवार्ड्स दिए जाएंगे फंड्स के हिसाब से और 30 परसेंट जो अवार्ड हैं सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एयरमार्क किए जाएंगे मतलब स्पेसिफिकली वुमेन को कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे इसमें अगर वुमेन अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं हुई तो फिर ये दूसरे मेल कैंडिडेट्स को भी दिए जा सकते हैं तो ये जो पिछले तबके के लोग हैं उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक विशेष योजना लॉन्च की गई है ताकि वो बाहर जाके पढ़ सकें इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जो चेंजेस किए गए हैं वो ये हैं कि जो फैमिली इनकम लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है छः लाख से लेकर आठ लाख तक नेशनल जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे स्टैनफर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड जैसे जो हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो पचपन परसेंट से बढ़ाकर साठ परसेंट कर दिए गए हैं यानी इससे कम में आपको ये आप अवेल नहीं कर सकते स्कॉलरशिप को इसके अलावा अलाउंस जो है वो बढ़ा दी गई है जैसे जैसे स्टूडेंट अवार्डी बढ़ेगा उसकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका अवार्ड बढ़ाया जाएगा अलाउंस बढ़ाई जाएगी पुलिस वेरिफिकेशन हटा दी गई है अब आप खुद से आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपने बारे में और नेशनल लेवल कोर्स इसमें कवर नहीं किए जाते हैं तो ये है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम किसके द्वारा किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है क्या क्या इसके किस किस पे फोकस्ड है ये आपको याद होना चाहिए इंपोर्टेंट आर्टिकल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में हेम यानी कि एन डी एच एम क्या कंटेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यह मिशन लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वैसे तो देखो छह बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस मिशन में सबसे पहले हेल्थ आईडी दूसरे नंबर पे डिजी डॉक्टर तीसरे नंबर पे हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री चौथे नंबर पे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स पांचवें नंबर पे ई फार्मेसी और सबसे लास्ट में टेलीमेडिसिन लेकिन इन छह बिल्डिंग ब्लॉक्स में से सबसे मेन जो है वो है हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी क्या है हर एक इंडिविजुअल को चौदह डिजिट का एक सीरियल नंबर दिया जाएगा और उस चौदह डिजिट के सीरियल नंबर की सहायता से पर्सन के यानी उस इंडिविजुअल की जिसकी ये आईडी है उस इंडिविजुअल के बारे में सारी हेल्थ संबंधित इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि वो इंडिविजुअल कौन से डिजीज से सफ़र कर रहा है कौन से रोगों से पीड़ित हैं पास्ट में कौन से मेडिकल टेस्ट करवाए हैं कौन सी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया है क्या इलाज चल रहा है कौन से डॉक्टर्स ने इलाज किया है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल से रिलेटेड प्राप्त की जा सकती है इस 14 डिजिट सीरियल नंबर की सहायता से और देखो ख़ास बात यह है ये जो प्रोग्राम है मतलब हेल्थ आईडी वाला ये फिलहाल वॉल्ट्री है मतलब कंपलसरी नहीं है कि सभी इंडिविजुअल्स को हेल्थ आईडी प्राप्त करनी ही है लेकिन अगर कोई चाहे तो इस प्रकार की हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकता है फायदा क्या होगा इससे देखो एक तो सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ेगी दूसरा वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स पेशेंट्स ये सब और ज्यादा इंटीग्रेटेड होंगे और ज्यादा आपस में कनेक्टेड होंगे इनके बीच गैप जो है वो कम होगा इस हेल्थ आईडी की सहायता से शुरुआत में इनको यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया जाएगा जैसे चंडीगढ़ लद्दाख दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार और सबसे लास्ट में लक्षद्वीप जम्मू एंड कश्मीर का नाम यहां पर नहीं है वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी आपको पता है आज के समय में यूनियन टेरिटरी है इम्प्लीमेंट कौन करेगा इस मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये देखो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिजाइन करेगी बिल्ड रोल आउट और इंप्लीमेंट करेगी इस पूरे मिशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में भी ये देखो एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इंप्लीमेंटेशन के लिए वैसे देखो ये जो मिशन है अगर यूपीएससी पूछ ले क्या ये आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर यस ही होगा ये जो मिशन लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को गवर्न किया जाता है एक गवर्निंग बोर्ड के द्वारा जिसके चेयरमैन होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो हमने इस आर्टिकल में बात की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में चलते हैं आगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल परिवार पहचान पत्र के बारे में है यानी ट्रिपल पी ट्रिपल पी वैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है ये क्या है परिवार पहचान पत्र देखो हरियाणा ने यह यूनिक आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र जिस भी फैमिली को यह परिवार पहचान पत्र मिलेगा उनको आठ डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा आधार की तरह लेकिन देखो ये आधार से अलग है आधार तो इंडिविजुअल्स को मिलता है लेकिन ये जो पहचान पत्र है ये फैमिलीज को मिलेगा जैसे राशन कार्ड फैमिली को मिलता है राशन कार्ड आपने देखा होगा राशन कार्ड में फैमिली की सारी डिटेल्स होती हैं परिवार में कौन कौन है माँ बाप पति पत्नी बच्चे सारी डिटेल्स होती हैं उसी प्रकार से इस परिवार पहचान पत्र में भी फैमिली से संबंधित सारी डिटेल्स होंगी जैसे हेड ऑफ द फैमिली कौन है परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके नाम एज इनकम मोबाइल नंबर हर एक का सब चीज़ें होंगी और और अगर देखो डोटर की मैरिज हो जाती है तो फादर की साइड से नाम जो है इस परिवार पहचान पत्र से काट दिया जाएगा और हस्बैंड की फैमिली के साइड में जो परिवार पहचान पत्र है वहाँ पे डोटर का नाम ऐड कर दिया जाएगा अब क्वेश्चन उठता है फ़ायदा क्या होगा इस परिवार पहचान पत्र का फ़ायदा देखो ये होगा कि हरियाणा की गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है वेलफेयर स्कीम्स उनको आसानी से मैनेज किया जा सकेगा बेनिफिशरीज स्कीम्स का लाभ उठा सकेंगे इन परिवार पहचान पत्र की सहायता से लीकेजेस जो हैं मतलब करप्शन होता है स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में वो कम होगा और कोई भी जो डिज़र्विंग पर्सन है जो स्कीम का लाभ उठाना चाहता है वो आसानी से उठा सकेगा तो ये सब फ़ायदे होंगे इसीलिए हरियाणा की सरकार ने ये परिवार पहचान पत्र स्कीम लॉन्च की है चलते हैं आगे वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम पहले क्या था पहले इसका नाम कुछ और था पहले इसका नाम था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट ये 1996 में बनाया गया था और उस टाइम इसका नाम क्या था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट जिसका नाम बदलकर बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बना दिया गया इसमें राष्ट्रपति बच्चों को पुरस्कृत करते हैं ये जो होता है नॉमिनेशन इसमें इनवाइट करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने हाल में नॉमिनेशन खोली है नॉमिनेट की जाती है यहाँ बच्चों को रिकॉग्नाइज किया जाता है उनकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज और अचीवमेंट को लेकर इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी ब्रेवरी सोशल सर्विस कल्चर और इन सभी क्षेत्रों के ऊपर खास बात इस, इसके अलावा एक और बाल कल्याण पुरस्कार है जो हमें पता होना चाहिए बाल कल्याण पुरस्कार इससे पहले लॉन्च हुआ था 1979 में इसको नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड कहते थे पहले ये क्या करता है ये ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर के, के केस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि बाल कल्याण पुरस्कार किस लिए बाल कल्याण पुरस्कार नाम से ही क्लियर है बाल कल्याण के लिए है विच इज चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है मतलब बाल कल्याण और जो दूसरी बात है वहां पर बात हो रही है बाल पुरस्कार की तो वहां जो बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको रिकोगनाइज किया जाता है तो जो दो कैटेगरीज बाल कल्याण पुरस्कार की है वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन और इनमें कैश प्राइजेस दिए जाते हैं दोनों ही कैटेगरीज में इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिमोट लर्निंग रिसेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में किसके है किस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ क्या है इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट देखो हमें बताती है कोविड नाइन्टीन के बाद जो रिमोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है विभिन्न स्कूल्स के द्वारा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उस रिमोट लर्निंग की लिमिटेशन क्या क्या है जैसे गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते मोबाइल डिवाइसेस को काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आपने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी कि सोनू सूद ने गरीब परिवार को स्मार्टफोन लेके दिया या फिर भैंस बेच के किसी किसान के परिवार ने स्मार्टफोन खरीदा ताकि बच्चा पढ़ सके तो रिमोट लर्निंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और रिमोट लर्निंग पे जो फोकस किया जा रहा है इससे पता लगता है कि समाज में कितनी इनईक्वालिटीज़ हैं रिमोट लर्निंग को एक्सेस करने में ये सब बताया गया है इस रिपोर्ट में और मुख्य बातें क्या क्या मेंशन है इस रिपोर्ट में देखो जब से यह महामारी आई है वर्ल्ड के एक तिहाई जो चिल्ड्रन हैं, जिनकी संख्या है 463 मिलियन वो रिमोट लर्निंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में million, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख स्कूल बंद हैं पेंडेमिक की वजह से और इस वजह से 286 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्री प्राइमरी क्लास से लेकर सेकेंडरी क्लास तक के जिनमें से फोर्टी तो गर्ल्स हैं ये सब प्रभावित हो रहे हैं कोविड 19 की महामारी की वजह से वैसे देखो यूनिसेफ का एक और भी कैंपेन था जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये है री इमेजिन कैंपेन ये ग्लोबल कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया यूनिसेफ के द्वारा क्या इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड नाइन्टीन की महामारी का बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट ना पड़े बच्चों पर खास करके वो वनरेबल बच्चे जो गरीबी से अफेक्टेड हैं या फिर फैमिली वायलेंस से वो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो कोविड नाइन्टीन की महामारी का ऐसा असर ना पड़े इन वर्नरेबल बच्चों पर कि वो इस असर से उबर ही ना सकें तो ये प्रिवेंट करने के लिए ग्लोबल कैंपेन है री इमेजिन कैंपेन चलते हैं आगे इस आर्टिकल वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन से संबंधित है हर साल ये दिन 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है यूपीएससी देखो कैंपेन की डेट्स वगैरह नहीं पूछते लेकिन इस आर्टिकल में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक तो देखो ये इनिशिएटिव कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और वाक फ्री फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है इरेडिकेटिंग मॉडर्न स्लेवरी इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई तो आंसर होगा कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और वॉक फ्री फाउंडेशन इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की है और ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव जो है ये देखो इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टिसन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के एरिया में काम करती हैं और हेडकोार्टर न्यू दिल्ली में है. लास्ट में ब्लू हर्ट कैंपेन ये इंटरनेशनल एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है जिसको स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा तो ये दो तीन चीजें आप याद रखिएगा तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन